राधे राधे दोस्तों, आप भी किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां अचानक धन की प्राप्ति भी होती है तो बड़े धन की प्राप्ति होती है, साथ में नुकसान भी होता है। जैसे शेयर मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, या किसी भी तरह के ट्रेडिंग के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं। या आप दोस्तों, वैसे तो मैं ये उपाय आपको कभी नहीं बताती हूँ, इस तरह के कोई भी उपाय, लेकिन बहुत अधिक डिमांड के ऊपर मैं ये आपको प्रयोग दे रही हूँ। लॉटरी सट्टा मैं कभी इसके उसमें नहीं रही हूं कि ये आपको करने चाहिए, लेकिन आप विशेष रूप से आप इसके आदि हो चुके हैं, आपको इसकी लत लग चुकी है। वैसे तो ये लत आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर ये बड़े अमाउंट में आपको धन का लाभ दिला रही है तो बड़ा अमाउंट में आपको नुकसान भी कराती है, और जब इसकी लत लग जाती है तो आदमी इसको छोड़ नहीं पाता है। लेकिन फिर भी अगर आप इससे ग्रस्त हैं या आप इसके लाभ पाना चाहते हैं तो मैं आज का उपाय आपको दे रही हूं दोस्तों। तो आज का उपाय विशेष होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा दोस्तों। लॉटरी सट्टा, इस तरह के किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो जरूर देखिएगा। साथ में ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कलर और जीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, लकी अंक देने वाली हूं। तो मैं आपकी यश दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूं। ये होली का पर्व आप सभी के परिवारों के लिए बहुत अधिक खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में विभिन्न तरह के रंग आए, जीवन के हर क्षेत्र से आपको सफलताएं प्राप्त हों, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूं। दोस्तों, अचानक धन की प्राप्ति हमें कराते हैं हमारे कुंडली का शुक्र ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, साथ में ही बुध और चंद्रमा। ये सारे ही ग्रह हमको अचानक धन की प्राप्ति कराते हैं, जिसमें विशेष रूप से शुक्र और राहु जो शेयर मार्केट से जुड़ा है अचानक धन से हमें दिलाता है। चाहे वो लॉटरी हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, जुआ हो, इन सबसे हमें शुक्र और राहु ही हमें लाभ दिलाते हैं। जितनी जल्दी हमको लाभ दिलाते हैं, उतनी जल्दी जब इनकी दशा अंतर प्रतिदशा हमारी कुंडली में खराब होती है, उतनी ही बड़ी मात्रा में ये हमको हानि भी करा देते हैं, और इसके साथ ही हमें ये मानसिक तनाव भी देते हैं ग्रह। इन ग्रहों का मजबूत होना आपकी कुंडली में, इन ग्रहों का आपके लाभ के लाभेश के साथ में इनका संबंध होना, धनेश के साथ में संबंध होना, पंचम के साथ में संबंध होना, आपको इन क्षेत्रों में बड़ी सफलता दिलाता है। अब मान लीजिए कि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं और आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको हमेशा, अब जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले तो शुक्र की होरा देखिए। शुक्र की होरा देखने के लिए आपको अपने कैलेंडर का, जिसमें होरा दिए जाते हैं, वो देख सकते हैं। आप पंचांग ले सकते हैं, पंचांग में भी रहता है शुक्र की होरा किस समय शुरू हो रही है, उस पीरियड को चुनिए। या आप मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते हैं जो इस तरह के दैनिक पंचांग दिखाते हैं, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्र की होरा चुनिए, शुक्र की होरा के समय आप कोई भी क्षेत्र में ट्रेडिंग करिए। शुक्र की होरा में वैसे तो ये उपाय आपको अपनी पहले कुंडली विश्लेषण से आपको पता चलता है किस क्षेत्र में आपको, शेयर मार्केट में भी आपको किस क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगी, किस क्षेत्र के ट्रेडिंग करने से आपको सफलता अधिक मिलेगी। जैसे कि आपके लिए लोहा इत्यादि ज्यादा फायदेमंद है, या सोना चांदी फायदेमंद है, या दालें हैं, या चावल, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, ऑटो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, क्या आपके लिए ज्यादा विशेष लाभदायक है। चलिए मैं उस सब पर नहीं आती हूं दोस्तों, ये बड़ा बृहद विषय है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रही हूं। तो शुक्र की होरा में आप ट्रेडिंग करिए, या उसमें आप जो चार्ट चला रहे हैं उसमें आप अभिजीत मुहूर्त का समय चुनिए अपनी ट्रेडिंग के समय, और उसमें ध्यान रखिए कि जो आप शेयर खरीद रहे हैं या जो भी आप लॉटरी का टिकट खरीदे, उसमें 2, 4, 6 ये अंक, 3 अंक जरूर होने चाहिए, 2 और 4 भी हो सकता है, 6 भी हो, लेकिन 4 भी हो साथ में, इन अंकों का उसके अंदर समावेश हो तो उसमें सफलता आपको अधिक मिलेगी। पहले हो, लास्ट में हो, या 2 और 4 24 का अंक हो, यह आपको विशेष सफलता दिलाता है। 8 के अंक को आप अवॉइड करिए, ऐसा कोई भी संख्या आप चुन रहे हो उसमें 8 का अंक ना हो तो बेहतर है। तो जब आप इस तरह की कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें आप जब शेयर वगैरह खरीद रहे हैं, तो उसमें आप देखिए अमाउंट कितना हो रहा है, तो उसको चुनिए कि कुछ इस तरह से उसमें आपके डिजिट आ जाएं, या शेयर खरीद रहे हैं तो कुछ इस तरह से डिजिट आ जाएं कि 2240 हो गया, तो इसमें 2 और 6 दोनों हैं, या 624 हो गया, कुछ इस तरह से आपको डिजिट चुननी है कि उसमें 6, 2 और 4 ये 3 अंक जरूर आ जाए, 2, 4, 6 इस तरह के अंक जरूर आ जाए, 6 का अंक जरूर आ जाए, 4 का अंक जरूर आ जाए। जैसे शुक्र और राहु के ये 2 अंक होते हैं, राहु का 4 होता है, शुक्र का 6 होता है, ये 2 अंक का समावेश होता है तो उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं
लाभ की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, हानि की संभावनाएं उसमें कम रहती हैं। लेकिन उसके साथ में आपका चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा राहु उसे कंफ्यूज करता है और हम गलत निर्णय ले पड़ते हैं, लेने बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें हानि हो जाती है, जहां जबकि हमें वही नंबर फायदा देने वाला होता है, लेकिन अचानक से हमें कंफ्यूजन होता है और हम उसमें अपने ही हाथों से, अपने ही डिसीजन से हम हानि कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतावलापन आ जाता है। राहु हमें उतावला भी बनाता है। सो दोस्तों, अगर आप इस तरह से डिजिट का चुनाव करेंगे, 6, 2, 4, 6 इस तरह के अंकों का उसमें समावेश रहे, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें भी इन अंकों का समावेश हो, डिजिट का समावेश हो, लॉटरी की टिकट ले रहे हैं उसमें भी इन सब का समावेश हो, तो या अंक चुन रहे हैं उसमें इस तरह का समावेश होगा, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब दोस्तों, आप एक काम और कर सकते हैं, 2 और 4 ये दो अंक रेड कलर के पेन से चौकोर और व्हाइट के ऊपर, चौकोर ही चाहिए व्हाइट कलर के पेपर पर, इसे लिखकर, इसको लिखकर अपने घर के मंदिर में आप सामने ही सामने लगा दीजिए, और डेली इसको अपने ऑफिस जाने से, अपने कार्य शुरू करने से पहले इसे धूप दीप दीजिए, तो भी ये अंक आपको शुभता देगा, क्योंकि 2 और 4 दो चंद्रमा का और 4 है राहु का, इन दोनों का जोड़ बनता है 6 यानी शुक्र, तो ये धन दिलाता है। इससे पहले भी मैं एक बार वीडियो दे चुकी हूं दोस्तों 24 के अंक का, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल नंबर है, तो इसको आप इस तरह से भी प्रयोग करिए, दोनों ही तरह से आपको प्रयोग करना है। एक तो 24 का अंक आपको मंदिर में लगाना है, अपने मंदिर में आप पूजा पाठ किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपनी उस वर्क टेबल पर लगा लीजिए, और इसको आपको एक या दो मिनट जरूर देखना है, इसकी ऑरा को आपको ग्रहण करना है, और फिर आपको ट्रेडिंग या अपने जो भी आप कार्य करें उसमें कार्य करिए, सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। अब मेरी अमृत की बूंद और जादुई इच्छा, जो कि 9 ग्रह पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग ग्रहों की कोई व्यवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेके 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग है, जिसमें ना तो धन ही खर्च होता है ना कोई समय लगता है। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं और आपको क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, धन आगमन के मार्ग खोलते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं। तो नियमित लिखिए, स्वयं लिखिए, परिवार के सभी सदस्यों को लिखने के लिए कहते हैं, या आप स्वयं लिखते हैं, कुछ ही दिनों में आपको इनका परिवर्तन सामने दिखाई देने लगता है। 13 मार्च 2022 दिन रविवार, आज का राहु काल है 4:55 से 6:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नए कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:07 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नए कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक बड़ा गुड़ का टुकड़ा लीजिए, उसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर रखिए और इसको अपने हाथों से गाय को खिलाइए, तो आज आपका दिन बच जाएगा, आज आपके सोचे हुए कार्य सभी पूरे होंगे। आज का जो जादुई अक्षर है पवन वाला पा, इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप उठाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखें, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मेरे एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, कुछ जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी हो, इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 4 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसका अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉल नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए सुविधा जान सकते हैं, ये सुविधा पेड है या आपको फीस देनी होती है। दोस्तों, वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, वहीं पर आपको इसका आंसर मिलेगा। आपको कॉल के द्वारा ये आंसर यहाँ नहीं मिलेगा, सो आप प्लीज कॉल मत कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए। अन्य किसी विषय पर चाहिए तो जरूर लिखते रहिए दोस्तों। अभी मैंने कुछ दिनों के लिए कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है, क्योंकि अति व्यस्तता के कारण मैं आपके कमेंट नहीं ले पा रही हूँ, तो उसके लिए एक बार मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।